गुजरात के बाद तूफान बिपरजॉय का असर अब राजस्थान में दिख रहा है। यहां शनिवार सुबह से ही बाड़मेर, सिरोही, उदयपुर, जालौर, जोधपुर जिले में बारिश हो रही है। हवाएं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान जालौर, सिरोही और बाड़मेर में इसका असर सबसे ज्यादा असर जो है देखने को मिला। इन जिलों में 4 से 5 इंच तक दर्ज बरसात हुई है। मौसम विभाग ने बाड़मेर, जालौर, सिरोही और पाली के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। पाकिस्तान बॉर्डर से सटे बाड़मेर के 5 गांव बाखासर, सेडवा, चौटन, रामसर, धोरी मना के 5,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। बिपरजॉय के असर से 80% राजस्थान में बादल छाए हैं। बीती रात चूरू के बीदासर में इस सिस्टम 76 मिलीमीटर 3 इंच बरसात हुई। सिरोही के कई इलाकों में 62 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली। बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश बाड़मेर के सेंडवा और सिरोही के माउंट आबू में 5-5 इंच दर्ज की गई। इसके अलावा सिरोही में बीती रात से अब तक 27 मिलीमीटर यानी करीब 1 इंच से ज्यादा पानी गिरा। वहीं जोधपुर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, अजमेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, जैसलमेर, टोंक, राजसमंद समेत अन्य जिलों में भी 1 से लेकर 30 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। तूफान बिपरजॉय शुक्रवार रात राजस्थान पहुंचा। इसकी रफ्तार कम हो गई है। राज्य में इसका असर रविवार तक रहेगा। तूफान के असर से अब एमपी, यूपी और दिल्ली के कुछ इलाकों में भी बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम केंद्र जयपुर के सीनियर साइंटिस्ट हिमांशु शर्मा ने बताया कि साइक्लोन का आई पॉइंट मिड राजस्थान की सीमा प्रवेश कर चुका है। उस समय सिस्टम की स्थिति डीप डिप्रेशन में रूप में रही और राजस्थान में हवा की स्पीड 40 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा रही। उन्होंने बताया कि अब यह कमजोर होकर डिप्रेशन के रूप में कन्वर्ट हो गया है।